तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं HTML ट्यूटोरियल। तो HTML बेसिकली कोडिंग लैंग्वेज है जिससे आप वेब पेजेस बना सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए HTML को यूज़ किया जाता है और HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो चलिए अब आज हम सीखेंगे कि एक HTML का बेसिक ढांचा, उसका एक एग्जोस्केलेटन कैसा दिखता कैसा है। तो चलिए देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये डॉक टाइप HTML क्यों लिखा। तो हर HTML के कोड को लिखने से पहले आपको डॉक टाइप HTML इस वे में लिखना ही पड़ता है। अब ये चीज़ आपको बताती क्या है, ये चीज़ डॉक टाइप HTML लिखने से आपके कंप्यूटर को पता चलता है कि HTML का आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो। और ये जो है इसको लिखने से कंप्यूटर को पता चल रहा है कि आप डॉक टाइप HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो। और एक और चीज़, HTML के अंदर कोई भी चीज़ है, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। HTML के अंदर आप कुछ भी कोई भी टैग लिख रहे हो, HTML में टैग्स होते हैं हर चीज़ के लिए। तो टैग किसके बीच में आता है, इन दोनों चीज़ों के बीच में ही टैग लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं डॉक टाइप HTML के अंदर, ये देखिए और इसे देखिए, ये दोनों इसके बीच में आ रहे हैं। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। ये लिखिए, इसके बाद हमें अपना वेब पेज लिखना स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, स्टार्टिंग होनी चाहिए एक। तो स्टार्टिंग हम करते हैं ऐसे, HTML HTML लिख दिया, आपकी स्टार्टिंग हो गई है। देखिए यहाँ पर भी ये इन दोनों चीज़ों के अंदर ही है, लेस देन और मोर देन साइन के अंदर ही आपका टैग आ रहा है। ये है HTML टैग। HTML लैंग्वेज के अंदर हर चीज़ का एक टैग होता है, हर टैग का अपना काम होता है। तो HTML टैग किस काम के लिए होता है, HTML टैग आपके वेब पेज को स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो टैग हम लिखेंगे वो है हेड टैग। अब हेड टैग क्या करता है, हेड टैग बेसिकली बताता है आपके कंप्यूटर को कि जो भी आप वेब पेज में लिख रहे हो, जो भी आप कंटेंट बना रहे हो वेब पेज के अंदर, वो किस चीज से रिलेटेड है। ये आपको कंप्यूटर को एक आइडिया देता है कि वो किस चीज से रिलेटेड है। तो हेड टैग के अंदर एक और एलिमेंट आता है, एक और टैग आता है, वो है टाइटल टैग। टाइटल टैग, अब जैसे मुझे मेरे बारे में लिखना होगा तो मैं टाइटल टैग में लिख देता हूँ माई सेल्फ, मतलब वेब पेज मेरे बारे में। अब देखिए, जैसे हर वेब पेज की स्टार्टिंग होती है, हर वेब पेज की एंडिंग होती है, और वेब पेज के अंदर आपने जो भी लिखा है उसकी भी एक स्टार्टिंग होती है, उसकी भी एक एंडिंग होती है। अब देखिए हेड टैग के अंदर आप टाइटल लिख रहे हैं, टाइटल की एक स्टार्टिंग है, ये टाइटल की स्टार्टिंग है, ये है ओपनिंग टैग, यानी कि आपने ओपन किया, टाइटल लिखना शुरू किया, आपने उसके अंदर टाइटल लिखा क्या है और फिर आपने टाइटल टैग क्लोज कर दिया। और HTML के अंदर हर क्लोजिंग टैग में ये सिंबल, ये स्लैश का सिंबल देख रहे हैं, ये हमेशा आता है। ओपनिंग टैग में नहीं लगा होगा लेकिन क्लोजिंग टैग में आपको लगाना ही पड़ेगा। अब हमने हेड टैग लिखा था, हमें हेड टैग को भी क्लोज करना है। तो ये लीजिए, हम हेड टैग को हमने क्लोज कर दिया, यहाँ पे भी हमने इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे इसका ओपनिंग टैग हो गया हेड का और ये हो गया हेड का क्लोजिंग टैग। अब एक और चीज़, जो टाइटल टैग है वो हेड टैग के अंदर है। ऐसे टैग्स, ऐसे एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट के अंदर हो, उन्हें नेस्टेड एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टाइटल टैग है वो नेस्टेड एलिमेंट है क्योंकि वो हेड टैग के अंदर है। अब हम अपना वेब पेज को हमने स्टार्टिंग शुरू कर दी है, अब हमारा वेब पेज क्या दिखाएगा वो सब आता है बॉडी टैग में, यानी कि जो भी आप लिखोगे वो क्या दिखेगा वो आएगा बॉडी टैग में। तो बॉडी टैग में आप जो भी लिखते हो वो सब कुछ वेब पेज शो करता है। अब आपको एक चीज सोच रहे होंगे कि जो टाइटल टैग के अंदर हमने माई सेल्फ लिखा, क्या ये दिखेगा, नहीं, ऊपर की कोई भी चीज नहीं दिखेगी क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपका वेब पेज किसके बारे में। कंप्यूटर सिर्फ वही चीज़ दिखाएगा जो बॉडी टैग के अंदर होगी। अब बॉडी टैग में आपका सारा वेब पेज का कंटेंट आता है। अब जैसे मुझे मेरे बारे में लिखना है तो मुझे एक हेडिंग चाहिए, जैसे अबाउट मी, तो हेडिंग कैसे लिखते हैं, अब हम लिखेंगे हेडिंग टैग। अब हेडिंग बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। अब हम सबसे बड़ी हेडिंग, मतलब अगर हमने बड़ी सबसे बड़ी हेडिंग डालनी है तो हमें कौन सा टैग यूज़ करना होता है, हेडिंग टैग, H1 टैग, ऐसे होता है ये यूज, H1।
अब मुझे अबाउट मी लिखनी है, मेरी हेडिंग अबाउट मी, ये मेरी हेडिंग होगी। अब हम H1 टैग को क्लोज करेंगे जैसे वैसे करते हैं, H1 टैग क्लोज हो गए, अब ये मेरी हेडिंग बन गई। जब मैं इसको ओपन करूँगा, अब HTML का फ़ायदा ये होता है कि जब आप HTML को किसी भी कोड एडिटर में लिख रहे हो, जैसे मैं नोटपैड में लिख रहा हूँ, तो जब मैं इसे सेव करूँगा तो मैं जब इसे ओपन करके देखूँगा गूगल क्रोम में, तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा कि जो मैंने लिखा होगा। अब देखिए कैसे, एंटर, अब मैंने हेडिंग लिख दी, अब मुझे मेरे बारे में लिखना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा लाइन्स। तो लाइन्स कैसे लिखते हैं, लाइन्स पैराग्राफ कैसे लिखे जाते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है HTML के अंदर पैराग्राफ टैग, ये पी। पैराग्राफ टैग को हम लिखते हैं पी से, तो अगर आप पी के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं वो छोटे छोटे वर्ड्स के अंदर आते हैं, जैसे आप लाइन लिख रहे हैं, जैसे मैं लिखूंगा माई नेम इज विवेक ठाकुर, फुल स्टॉप, क्लोज्ड, टैग क्लोज कर दिया। अब मैंने यहां लिख दिया माई नेम इज विवेक ठाकुर, तो ये मेरी एक लाइन बन गई। पैराग्राफ टैग का मतलब यही नहीं कि आप सिर्फ पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, जो भी आप दिखाना चाहते हैं छोटे छोटे वर्ड्स की फॉर्म में, छोटे छोटे लेटर्स की, सिंबल्स की फॉर्म में, वो आप पैराग्राफ टैग के थ्रू लिखवाएंगे। अब मैं एक और लाइन ऐड करता हूँ, माई एज इज 14 ईयर्स, फिर से हम टैग को क्लोज करेंगे, ये हमारी एक और लाइन होगी। अब जैसे मैंने दो लाइंस लिख दी हैं, अब मैं चाहता हूँ कि बस मैंने सिर्फ यही दिखाना है गूगल क्रोम के अंदर, तो मेरे को अपना पूरा बंद करना पड़ेगा। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी कि जो भी चीज़ हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे वेब पेज सिर्फ वही दिखाएगा, तो हमें सिर्फ यही तीन चीज़ें दिखानी है, यानी कि हमें हेडिंग दिखानी है, ये और ये, हमें सिर्फ यही चीज़ें दिखानी है। तो कैसे दिखाएंगे, अब हम बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे, बॉडी टैग क्लोज हो गया। देखिए यहाँ पे बॉडी टैग की ओपनिंग टैग था और ये उसका क्लोजिंग टैग, तो अब जब हम गूगल क्रोम ऑन करेंगे तो उसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें दिखेंगी, पर हमें ये नहीं दिखेगा H1 ये सब नहीं, ये तो कोड का पार्ट है, हमें सिर्फ वो दिखेगा, हमें सिर्फ वही चीज़ें दिखती हैं बट हमारे आउटपुट हमारे गूगल क्रोम में जो चीज़ें हमने लिखी हैं, वो भी टैग्स के अंदर, जो टैग्स के अंदर लिखी हैं सिर्फ वही चीज़ें, यानी कि ये जैसे ये सेंटेंस है, उसके बाद एक ये सेंटेंस है, तो हमें सिर्फ यही दिखेगा। अब बॉडी टैग हो गया, अब हमने ये तो कि हमारे कंटेंट की स्टार्टिंग हुई थी बॉडी टैग से और हमारे कंटेंट की एंडिंग हो गई बॉडी टैग के क्लोजिंग टैग से। अब हमें पूरे वेब पेज की एंडिंग करनी है, हमने वेब पेज की स्टार्टिंग कैसे की थी, मैंने बोला था HTML starts the web page, अब हम HTML का क्लोजिंग टैग लिखेंगे, सॉरी ये हो गई वेब पेज की क्लोजिंग। बॉडी टैग मार्क करता है कंटेंट की स्टार्टिंग और कंटेंट की एंडिंग, HTML टैग डिसाइड करता है वेब पेज की स्टार्टिंग और वेब पेज की एंडिंग। ये हो गया हमारा एक सिंपल HTML के वेब पेज का ढांचा। अब इसको सेव कैसे करना है, सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से सेव करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप अपना आउटपुट दे सके। अब देखिए अगर आप इसे सिंपली जैसे आप नोटपैड में हर चीज़ सेव करते हैं तो ये जब आप ओपन करेंगे तो यही सब ओपन होगा जैसे हम नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में लिखते हैं, लेकिन हमें तो इसको HTML की फाइल की तरह सेव करना है। तो कैसे करें, फाइल में जाएं, सेव एज, अब यहाँ पे आपको जैसे आप कोई भी जगह चुन सकते हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, चलिए मैं लेता हूँ, मैंने न्यू वॉल्यूम जी ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, चलिए आप डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, नहीं थोड़ा इजी हो, डेस्कटॉप पर ही करते हैं सेव। तो आप अपनी फाइल का नाम रखिए, जैसे आप रख लो अबाउट मी, अबाउट मी। एक और चीज़ की अगर आपको फाइल का नाम सेव करना है तो बेटर होगा कि आप कोई स्पेस ना छोड़ें, जैसे अबाउट और मी के बीच में स्पेस ना हो, दोनों एक साथ जुड़े हो। अब आपको यहाँ पे तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ फाइल नेम आपने लिख लिया, सेव एज टाइप ये आपको ऐसे ही रखना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसमें कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ आपको एक एनकोडिंग दिख रहा होगा, एनकोडिंग ANSI लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको इसमें UTF-8 कर देना है, क्योंकि जो HTML है वो UTF-8 की एनकोडिंग को सपोर्ट करता है। अबाउट मी, अब आपको सिर्फ इसी फाइल नेम से अपना नाम नहीं सेव करना, आपको एक एक्सटेंशन डालनी है, आपको लिखना है .aboutme.htm। आपने कभी भी अपनी कोई भी HTML की फाइल सेव करनी है आपको ये .htm लिखना ही होगा। अब हम कर देंगे इसको
सेव, ये सेव हो गई। अब हम इसे क्रॉस करके अब हम देखेंगे अपने दिस पीसी में जाकर कि क्या चल रहा है। ये दिस पीसी में हम गए, यहाँ हम डेस्कटॉप पे गए, यहाँ आपको अबाउट मी दिख रहा होगा। अब देखिए अबाउट मी के ऊपर आपको दिख रहा है सिंबल कैसा है, गूगल क्रोम का बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अब सीधा ये गूगल क्रोम हमारा वेब पेज खोलेगा, क्योंकि हमने इसको किस एक्सटेंशन में सेव किया था, डॉट एच टी एम की फॉर्म के अंदर। अब हम इसे ओपन करते हैं, तो ये देखिए आपका वेब पेज खुल गया। देखिए बड़ी हेडिंग अबाउट मी, माई नेम इज विवेक ठाकुर, माई एज इज 14 ईयर्स, सब कुछ आ गया, ना वो टाइटल आया ना वो। तो ये है एक बेसिक HTML वेब पेज का ढांचा। आपको HTML की सबसे बड़ी बात होती है कि आपको आपका आउटपुट उसी वक्त आप देख सकते हो कि आपने जो किया वो सही लग रहा है कि नहीं। गूगल क्रोम में जाकर आपको इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इसे देखिए यहाँ पे मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है, पर मैं चाहूँ तो चलिए मैंने इसको डिसकनेक्ट कर दिया। अब इसे क्रॉस करके मैं इसे फिर से ओपन करता हूँ। इंटरनेट की भी नहीं प्रॉब्लम है, बिना इंटरनेट के भी आपको का वेब पेज वो दिखा रहा है, क्योंकि आपका वेब पेज अभी आपका ही है, इसे सिर्फ आप देख सकते हो। अगर आप सोचो कि जो ये URL है इस वेब पेज का, इसको आप टाइप करके अपना वेब पेज निकाल लोगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके अभी तक फ़ोन पे सेव है। आपको कोई भी अगर आपका वेब पेज इंटरनेट पे अपलोड करना होता है तो उसके लिए आपको डोमेन और सर्वर खरीद कर अपलोड करना होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ सीखेंगे कि HTML में कोड कैसे लिखते हैं, वेब डेवलपमेंट कैसे करते हैं, वेब पेजेस कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम वेब स्टाइलिंग सीखेंगे CSS से, लेकिन अभी हमारा ध्यान है HTML। तो गाइज आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।